पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घंदा बॉल पुट्टी। बुंदेलखंड विकास की बाट जोह रहा है और घोटालेबाज हैं कि विकास कार्यों के लिए आए सरकारी धन को ठिकाने लगाने में लगे हैं। महोबा जनपद में एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है। प्रदेश की सरकार गरीबों को आसरा आवास उपलब्ध करा रही है, मगर संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था इन आवासों में न केवल मानक के विपरीत काम करा रहे हैं, बल्कि इन आवासों में चोरी का मटेरियल तक लगाया जा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मटेरियल शॉप के मालिक ने पुलिस को तहरीर देकर ईंट चोरी की शिकायत की और जब जांच हुई तो घोटाले और चोरी की परतें खुलती चली गई। बुंदेलखंड को बदहाली से उबारने के लिए प्रदेश सरकार तमाम बड़ी योजनाएं चला रही है। उनमें से एक योजना है गरीबों को छत देना। गरीबों को प्रदेश सरकार आसरा आवास बनाकर दे रही है, लेकिन ये योजना भी घोटालेबाजों की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। महोबा में ढूढ़ा विभाग द्वारा CNDS कार्यदायी संस्था के JE और ठेकेदार जनपद में आसरा आवासों का निर्माण करा रहे हैं, मगर इन आवासों में मानकों की जमकर अनदेखी की जा रही है। इन आवासों को ये ठेकेदार और विभागीय कर्मचारी सिर्फ कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। ये घोटालेबाज पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल महोबा के मोहल्ला भीतरकोट में CNDS कार्यदायी संस्था द्वारा एक दर्जन आसरा आवासों का निर्माण कार्य हो रहा है, मगर इन आवासों में घोटाले को अंजाम देने के लिए ठेकेदार और JE आवासों में चोरी का मटेरियल लगा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक रॉ मटेरियल के दुकानदार ने दुकान के बाहर रखे 10,000 ईंट चोरी किए जाने की लिखित शिकायत पुलिस को दी। मदीना मस्जिद चौराहे पर बनी बिल्डिंग मटेरियल के दुकानदार मजीद खान की शिकायत है कि बाहर रखे नंबर 3 के लगभग 10,000 ईंटों के CNDS के ठेकेदार राजेश सिंह के कर्मचारी ट्रैक्टर में भरकर ले गए हैं। गड्ढा खोदो, डरो है, बच्चा गिरे है, चाहे मरे है, चाहे कुछ भी हो, सुनाई नहीं रहे हैं। अच्छा, और ये ऐसी चुनाई कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं कि बिल्कुल धूरा बालू नहीं, हम मना कर रहे हैं। मसाला लग रहा है, अब मसाला भी हमें दिखाता ही नहीं है कि कैसा लगा रहे मटेरियल, लेकिन मेरी दीवार में सांस है और मेरी दीवार का भी खतरा है, उसको भी खतरा है। घटिया हो रहा सर। कैसा हो? बहुत गड़ा, हमारे 15-12 एक का मसाला लगा रहे सर, और 3 नंबर का गुम्मा सर, वो सुनते भी नहीं है, कहीं कहीं जंगला कहीं खिड़की उल्टा सीधा बना रहे सर। ये गुम्मा 3 नंबर हमारे चट्टे से चुरा के ले आए, चोरी से हमें पता भी नहीं चला, और ये 10,000 गुम्मा चुरा ले। आज सुबह जब देखा हमने तो ढेर फैला पड़ा था, ढेर में कम था। ये राजेश सिंह ठेकेदार काम चल रहा, उनकी ट्रैक्टर उनके आदमी चुरा के लिया है। कौन विभाग की है ये? CNDS से चल रहा है काम। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस को अभी हम सूचना दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मतलब जो आसरा आवास बन रहा है वो चोरी के मटेरियल से बन रहा है? टोटल चोरी के लग रहा है हमें तो, ये बताइए, दिन दहाड़े ये गुम्मा चुरा चुरा के भर भर ले आ रहे हैं। जब इस बात की भनक मीडिया को लगी तो आवासों के निर्माण स्थल पर पहुंच गए तो घोटाले और चोरी की परतें ही खुलकर सामने आ गई। दरअसल ठेकेदार ज्यादा मुनाफे के चक्कर में आवासों में मानक के विपरीत काम करा रहा था। इन आवासों में नंबर 1 का ईंट लगाना अनिवार्य है, वहां चोरी का नंबर 3 का ईंट लगाया जा रहा था। इन आवासों में नंबर 1 का ईंट लगाना अनिवार्य है, वहां चोरी का नंबर 3 का ईंट लगाया जा रहा है। गरीबों को सरकार आवास दे रही है, पर इनमें हो रहे घोटाले से आम लोगों की जिंदगी खतरे में है। ऐसे में आवास कितने दिन चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आम आदमी भी इन आवासों के घटिया निर्माण से खासा नाराज है। आवासों का निर्माण करा रहे मेठ और मिस्त्री की माने तो निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है, जो कि चोरी की बताई जा रही है। चेक का मटेरियल लगाते हैं, ईंटा कौन सा लग रहा है? 3 नंबर लग रहा है ईंटा। अभी आए हैं हम चिनाई भर के, ये इतनी कौन है? क्या वो सही है मकान के लिए? ठीक है कि गलत है? गलत है, अभी मकान के हिसाब से तो गलत है। मकान के लिए क्या नंबर का उपयुक्त होता है? 1 नंबर चाहिए। 1 नंबर, ये 3 नंबर लग रहा है, सही है? नहीं सही, गलत है। गलत है। अच्छा, सरिया वाली सब सही लग रहा है? नहीं, सरिया भी आप देख लीजिए, वो भी गलत है, कम सूद का। अच्छा, सब मटेरियल चोरी का आ रहा बता रहे? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि चोरी का है। हमारे सामने कोतवाली पुलिस से तहरीर दी गई। हाँ सही है, ये है कि गुम्मा जो काल आपका आया है, वो जे साहब बताएंगे कि कहाँ से आया है, कैसे, किसने, क्या सुना किसने, चर्चाओं में क्या सुना? हमने सुना चोरी का है। वहीं विभाग का JE अजय कुछ और ही राग अलाप रहा है। उनके अनुसार कार्य सही हो रहा है और इसमें चोरी की सामग्री नहीं लगी है।
बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वीके न्यूज के लिए महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। पपड़ी और फंगस की तरह छुट्टी, घोंदा बॉल पुट्टी।